वोजे पीपल कैसे आप सब लोग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामा आर वन फाइव एम किट या फिर आर वन किट की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो आर वन फाइव वी थ्री है वो कम्प्लीटली फायरिंग के साथ रिमूव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रोसेस होता है, कैसे ये फ्रेम वर्क होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू के अंदर कुछ इस तरीके से लुक करता है। कलर ऑप्शन यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। येलो भी आप देख सकते हैं, येलो जो टोन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक करेगा। अब यहाँ पर वर्क कैसे डन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये कोटिंग्स रेडी होती है। तो यहाँ पर आपको प्राइजेस को लेकर काफ़ी डाउट रहता है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जितने ज़्यादा कोटिंग्स होगी उतनी ज़्यादा प्राइस होगा, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। यहाँ पर थ्री लेयर और फाइव लेयर के बिटवीन ये प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि वेट के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। आप यहाँ पर टेल सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर हेड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से आर वन एम जो टेल है वो रेडी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्पोर्टी लगती है। डुअल टोन में काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों, बट इसका प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर प्लेन राइड नहीं कर सकता। यहाँ पर एक मॉडल और आता है जिसके अंदर प्लेन राइड करता है। आप यहाँ पर टैंक्स का लुक भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आर वन फाइव एम या फिर आर वन का जो टैंक है उसी से सिमिलर और इंस्पायर्ड ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप टैंक्स के लुक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्रेम देखिए, तो यहाँ पर ये होने वाला है डेल्टा बॉक्स जो कि साइड के अंदर लगता है। साइड फेयरिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ ही आप देख सकते हैं मास्क को, मडगार्ड को, और साथ ही यहाँ पर काउच जो कि पीछे की तरफ लगता है। टैंक कवर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंडर वैलीज भी कई तरीके की आती है दोस्तों, फोर वर्जन तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो कनार्ड्स होते हैं जो कि कोई सी बाइक के अंदर लग जाते हैं, तो यहाँ पर ये कलर्ड हो जाते हैं। सीट काउच भी देख सकते हैं, ये रॉ प्रोडक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रॉ प्रोडक्ट है वो किस तरीके से लुक करने वाला है। पैंट आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर वैलीज़ को, तो यहाँ पर वर्जन फोर अंडर वैलीज़ आती है, यानी कि फोर टू फाइव टाइप्स की अंडर वैलीज़ आती है। तो आप अपनी बाइक के अकॉर्डिंग और अपने लुक्स के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर लगवा सकते हैं। अलग अलग वर्जन्स का दोस्तों लुक अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा उनका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप V2 का भी लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके के फ्रेम वर्क के साथ। यहाँ पर ये आपको ऑफर होता है। तो ये दोस्तों क्लिप्स का कुछ क्रेडिट जाता है मोटोमोड्स को। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं V2 की क्लिप्स, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे कम्प्लीटली आपको पैकेज के अंदर क्या क्या ऑफर होता है। प्राइस वगैरह के लिए दोस्तों आप हमें हमारे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर DM कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल होने वाला है। साथ ही दोस्तों हमने अंडरबेली और किट की कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करके विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे बाइक के मॉडिफिकेशंस हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल के अंदर विजिट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ सिनेमैटिक्स को, तो यहाँ पर एंजॉय करिए कुछ सिनेमैटिक्स को। Okay.